खबर भोपाल से ही। भोपाल में पहली मोहन कैबिनेट में कई फैसले। खुले में मांस अंडे की दुकान पर करेंगे कार्यवाही। हर जिले में बनेगा एक्सलेंस कॉलेज, प्रधानमंत्री एक्सलेंस कॉलेज के नाम से जाना जाएगा। आदितन अपराधी 437-39 में दंडात्मक कार्यवाही होगी। जमीन रजिस्ट्री के साथ ही होगा नामांतरण। धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों पर बनाए कई लाउड स्पीकर। तेंदुपत्ता प्रति मानक बोरा 4000 देने का फैसला। आज इस पहली कैबिनेट के बाद में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। विलंब से बात आई इसकी मैं थोड़ी क्षमा चाहता हूं। दो तीन चार बड़े, वैसे तो हमने काफ़ी निर्णय आज किए हैं इस कैबिनेट की बैठक में, जिसके माध्यम से दूरदृष्टि से, दूरगामी दृष्टि से स्टेट के लिए वो बड़े सबके लिए हित में भी रहेंगे। कुछ उल्लास के और अच्छे भी निर्णय हुए हैं, जैसे फूड सेफ्टी नियम लागू होने के बाद खुले में मांस या अंडे की दुकान चलाना, ये सरकार, भारत सरकार ने भी इसमें दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। इस चीज को कड़ाई से लागू करने के लिए हमने कैबिनेट में इसके संबंध में तैयारी करने के लिए कहा है, और चूंकि इस दिशा में योग्य प्रकार से जन जागरण भी हो जाए और जिनको ये बिजनेस करना उनको उसके दायरे भी बता दिए जाए कैसे करना है क्या करना है, उनको भी इन सारी बातों के अवेयरनेस के साथ, लेकिन शासन के स्तर पर हमने निर्णय किया है कि ये चीज़ों को लेकर के जनता की सुरक्षा भी जरूरी है और जिनको जिनका व्यवसाय करना है या जिनको इसको खाद्य पदार्थ के उपयोग में लेना है तो वो उनकी जान भी जोखिम में नहीं डालें। एक निर्णय हमने किया, हर जिले के अंदर युवाओं के लिए एक एक्सीलेंस कॉलेज बनाया जाए, जो सभी प्रकार की नई शिक्षा नीति के माध्यम से सभी कोर्स की वो पढ़ाई वहां हो सके। लगभग 52 कॉलेजों का चयन हम कर रहे हैं, अगले सत्र से ये सभी कॉलेज चालू करेंगे, जिसमें सभी प्रकार के कोर्स, अगर वो डिग्री है तो पीजी होंगे, बस की व्यवस्था होगी और प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज के नाम से उनको जाना जाएगा।